के साथ दूसरा गोल, दूसरा गोल के फिराक में और इसी के साथ निर्णायक का संकेत ऑफ साइड करार करते हुए असिस्टेंट रविंद्र असिस्टेंट निर्णायक के रूप में अपना किरदार निभाता हुआ बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला था आरपीएम गोड्डा के खिलाड़ी के लिए, लेकिन उतना ही सुंदर बचाव ज्ञान निगरा भी खिलाड़ी और इसी के साथ देखते हैं क्या कर सकते दो नंबर जैसे बॉल को, ये खतरा हो सकता है इसी के साथ बॉल को लेने में चुका, लेकिन और इसी के साथ बॉल आहिस्ते आहिस्ते साइडलाइन से बॉल बाहर, बहुत ही अच्छा मौका मिला था गांधीग्राम की टीम को, लेकिन चुप गए थोड़ा सा उत्सुकता दिखाने से बाद यहां पर जीतन मुर्मु का बहुत ही अच्छा प्रहार सीधे हवाई शॉट लगा दिया, यानी जमीन आसमानी शॉट लगा था, और इसी के साथ एलिसन ने बॉल को लेने में चुका, बिल्कुल वहां पर माइनस करने का प्रयास में गोड्डा के खिलाड़ी सात नंबर जैसे ने समानांतर पास, हमें नहीं लगता है कि दूसरा गोल देने की फिराक में रहेंगे गोड्डा की टीम, और इसी के साथ यहां पर सीधे बॉल को डाला हर बॉल साइड लाइन से ऑफ साइड करार करते हमारे निर्णायक मुख्य निर्णायक का संकेत कुलदीप मर्मुनी का, महादेव चौड़े ने बॉल को शॉट लगाया था सीधे नवे एरिया में, लेकिन बॉल तब तक वहां पर ऑफ साइड का संकेत करते हुए बहुत ही सुंदर शॉट, और इसी के साथ यहां राजीव दाएं प्लेग से बॉल को हवा में लहराते हुए सीधे अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन देखते क्या कर सकता सात नंबर जैसी ने बॉल को सीधे महादेव चौड़े के लिए, लेकिन महादेव चौड़े बॉल को लेने में चुका, इसी के साथ बॉल छोटा सा पास लेफ्ट हैंड खिलाड़ी के लिए अगले नंबर खिलाड़ी को बारह नंबर जर्सी के लिए, और इसी के साथ कुछ हो सकता था, लेकिन तब तक बॉल साइड लाइन से बॉल बाहर, परेंग का मौका मिलता हुआ गोड्डा की टीम के लिए, माइनस करने के प्रयास में गोड्डा के खिलाड़ी, और इसी के साथ राजीव ने बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को देने के प्रयास में, खतरा हो सकता है, लेकिन यहां पांच नंबर जर्सी ने बॉल को हेड के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाते हुए, और इसी के साथ बहुत ही सुंदर पास इलिसन के लिए, लेकिन इलिसन बॉल को लेने में चुका, इसी के दो दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और तब तक मैं अगले विकेट के लिए मैं पुनः हमारे साथी कमेंटेटर जिसकी आवाज का जादूगर कहा जाए ओम प्रकाश पंडित जी को मैं ग्रुप आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद शुक्रिया जाफर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वही एक शून्य के लिए आरपी गोड्डा के पास इस समय ये पहले हाफ का मुकाबला चलता हुआ बहुत ही बेहतरीन खेल का आगाज किया है, अंजाम भी उसी ओर चल पड़ी है, इस समय एक शून्य की लीड है यहाँ पर गोड्डा के पास, और जो संघर्ष अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वापसी के लिए, यहाँ पर क्या वापसी दिला पाते हैं अपनी टीम को, कौन से खिलाड़ी इस टाइगर के रूप में दिखे जाएंगे यहाँ पर गांधीग्राम की ओर से, ये बहुत ही एक अच्छा मुकाबला चला है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए, और पहले हाफ में जिस अंदाज से आरपी वन गोड्डा की टीम ने खेल दिखाया है वाकई बहुत ही मजबूत पक्ष है, बहुत मजबूत टीम है, और इन फॉर्म प्लेयर्स उनके टीम में सजी है, सीजन पे बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है उनकी टीम का, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने का श्रेय प्राप्त है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी ऐसे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में, दूसरी अंदाज से यहाँ पर खेल दिखाया है उनके टीम के खिलाड़ी ने, और जो अनुशासन और कॉन्ट्रेशन जो बनाया है टीम के पास टीम के, और अच्छा कॉम्बिनेशन अभी तक देखने को मिला है टीम कॉम्बिनेशन हवा गई, अनुशासन सफलता की गारंटी उनके नाम जाता हुआ एक शून्य के लिए यहाँ पर आरपी वन गोड्डा के पास इस समय, मेरा मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर खासकर आरपी वन के लिए गोड्डा के लिए यह सौगात, हौसले हो फुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, हौसले हो फुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात हम बरगद को ही हिला देंगे, वो और हैं जो बैठ जाते हैं थककर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे, यहाँ पर जो हौसला जाहिर की है खेल के माध्यम से यहाँ दिखाया इस टाइगर ने, वाकई कमाल के खेल चला है गोड्डा की ओर से, कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल बेडाल एक शॉट फील्ड के जरिए खेल के दिमाग सुलेमान होता हुआ इस समय, लेकिन एक बार फिर से टच लाइन से गेंद बाहर, एक बार फिर से अवसर होगा इस समय यहाँ पर गांधीग्राम के पास, जो कि एक शून्य से पिछड़ रही गांधीग्राम की टीम, बॉल पोजीशन इस समय गांधीग्राम, और अच्छा थ्रू पास निकालने का प्रयास, लेकिन गेंद ले नहीं पाए वहां साथी खिलाड़ी, इससे पहले गेंद निकल गई टच लाइन से बाहर, बेडाल एक बार फिर से शॉट जमाने का मौका खेल के दिमाग सुलेमान होता हुआ, लेकिन बाईं से दाएं चैनल में गेंद को लाया गया है राइट जोन के अंदर, देखना है दाएं फ्लैग से, लेकिन सेंटर सर्किल के ऊपर गेंद एक बार फिर से वहां पर दाएं फ्लैग पर
लेकिन इसी बीच एक बार फिर से दो खिलाड़ी के बीच में गेंद, यहाँ पर बॉल पोजीशन इस समय गांधीग्राम अच्छा पास निकाला है मिठावर के लिए वहां पर, और गेंद को थ्रू पास बनाया था इस बार मिठावर के लिए, लेकिन एक बार फिर से गोल के पाले में गेंद, बुड्ढा के खिलाड़ी आक्रमण और बैक पास था इस बार, शानदार बैक पास और बहुत ही समझदारी की परिचय दे रहे हैं यहाँ पर जो की डिफेंस लाइन गुड्डा की ओर से हाफ टाइम दबा हुई करना, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद जाएगी दस सेकंड गांव पिच लाइन से बाहर, दो लाइन से गेंद बाहर गई है, गोल किक शॉट जमाने का मौका होगा इस समय के लिए यहाँ पर आरपी वन गुड्डा के पास इस समय पहले हाफ पे वापसी के लिए यहाँ पर संघर्ष करते हुए इस समय एसके वाईसी गांधीग्राम की टीमें, एक शून्य से पहले हाफ में पिछड़ रही है, बेरा देख रहे हैं कितनी जल्दी वापसी कर पाते हैं, कॉर्नर दर्शित हुआ इस समय और अच्छा शॉट, एक बार फिर से एक्सलेंट अच्छा शॉट जमाया था डिफेंस के एरिया में फर्स्ट पोस्ट के ऊपर, लेकिन आखिरकार सारी संभावनाएं यहाँ पर नष्ट होता हुआ इस समय, एक बार फिर से गुड्डा के लिए अवसर जरूर था दूसरा गोल दागने के लिए, अच्छा है इधर लेकिन गलत पास पे बैठे वहां पर छह नंबर जैसे खिलाड़ी, इधर जरूर लिया लेकिन प्रेस नहीं कर पाए, रिलीज नहीं कर पाए असिस्ट के पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, इसी बीच दाने फ्रेंक से एक बार फिर से वहां पर बोला है गुड्डा के पाले में गेंद, गुड्डा के खिलाड़ी देख रहे हैं कि शॉट पर कौन से खिलाड़ी किस पोजिशन पर है, लेकिन इससे पहले गेंद को क्लियर किया अपने हाथ से, और इसी बीच यहाँ पर गोलकीपर के लिए एक आसान सा गेंद होता हुआ इस समय, और फिर इससे सटा दिया है अपने सुपर बैक के लिए गेंद को, और सुपर बैक ने रिलीज किया है गेंद को राइट आउट के लिए, वहां पर डायनेट लेंग पर गेंद, डायनेट लेंग पर अच्छा क्रॉस निकाला है समांतर पास इस समय राइट फॉरवर्ड के लिए, लेकिन बैक पास फिर से अच्छा बैक पास था वहां पर, समझदारी का परिचय दे रहे इस समय दो तीन खिलाड़ी को ट्रेवल करने के बाद यहाँ मौका बनता हुआ इस समय गोंडा के लिए दूसरा गोल दागने का, बेहतर खेल का आगाज किया है यहाँ पर बेहतरीन पासिस के जरिए, क्या गजब का खेल प्रदर्शन हो रहा है गुड्डा की ओर से, यही काम यहाँ अब थोड़ा सा इस काम को भी खूबी निभाना पड़ेगा इस मैदान पर अगर वापसी करना चाहते हैं गांधीग्राम की टीम के लिए, थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा कुछ अंतर नहीं स्कोर लाइन में, मात्र एक शून्य से पिछड़ रही है गांधीग्राम की टीम, अभी भी वापसी कर सकते हैं, कहते हैं सौ सोनार की एक लोहार की, क्या ये बातें लागू कर पाते हैं गांधीग्राम की टीम, रहेगी खास बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा देश से आए हुए दर्शकों के लिए जानकारी ब्रेकिंग न्यूज, जो कि ये चौथा लीग चरण मुकाबला चलता हुआ इस टूर्नामेंट का, इसके वाईसी गांधीग्राम वर्सेस आरपी वन गुड्डा के बीच में ये महामुकाबला, एक शून्य के लिए गुड्डा के पास इस समय, और यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल में है, एक शून्य से पिछड़ रही है गांधीग्राम की टीम, गांधीग्राम के खिलाड़ी के पाले में गेंद एक बार फिर से बहुत सुंदर तरीके से एक खिलाड़ी के ट्रेवल करने का प्रयास, वहां पर अच्छा प्लेस किया है, फिर शॉट पर एक तरफ के बाद गेंद गई है सीधे गोल पीक करके, और गोलकीपर जो तुरंत बहुत ही चपलता के साथ क्लियर किया गेंद को सीधे साइड लाइन से बाहर, वाह कमाल का एटीट्यूड गोलकीपर का, कमाल का प्रदर्शन रहा है अभी तक में इस समय, लेकिन इसी बीच गेंद निकल चुकी है